शुरुआत हो चुकी है हमारी और दोपहर के जो हैं 2 बज रहे हैं। रात को एक काम जो है ख़राब हो गया था कह सकते हैं। ये जब कपड़े सी रही थी तो इनकी मशीन ने गड़बड़ ये की थी सिलाई मशीन ने कि वो बार बार उसका धागा टूट रहा था, तो मैं अब उसको लेके निकल रहा हूँ। ये सिलाई मशीन आएगी तो सही कराऊंगा। अब लेके जाते हैं। रात को मेरी अंकल से बात हो गई थी तो उन्होंने कहा था आप मॉर्निंग में ले आइएगा, मिलते हैं। जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं घर में मशीन सही करवा के, और जो है मैंने अपनी बेगम साहिबा को मशीन दे दी है। अब वो उसको चेक कर रही हैं। कोई इतना ख़ास इशू नहीं था, सिर्फ वो उसमें ऑयलिंग नहीं हुई हुई थी मशीन में, तो इस वजह से जो है उसमें कपड़ा जो है फंस रहा था और उसके सुई में ना। बाकी बाहर गर्मी है, लू चल रही है, हवाएं भी हैं, गर्द आलूद हवाएं हैं। थोड़ा सा पावर नैप लेते हैं फिर नमाज का वक्त हो जाएगा और फिर मिलते हैं। इफ्तार का टाइम होने वाला है, 6:20 हो चुके हैं। मुझे आज बनाना है तरबूज का शरबत। और ये देख लीजिए, मैंने जैसे कि आपको दिखाया था कि पहले से जो चीज़ नहीं चल रही है वो अभी भी कंटिन्यू है। ये देख लीजिए आप, ये मैं अपने गेट से बाहर आऊँगी। बाहर का गली का हिस्सा है ये, और ये ऊपर जाने का जीना जिन्हें तमाम कामों से फ्री हो चुके हैं। ये देखिए कि इवनिंग हो चुकी है, पूरी इतनी इवनिंग थोड़ी सी रह गई। ये देखिए आप, फ्रीजर भी क्लियर है। किचन में मैं बनाऊँगी तरबूज का शरबत। ये देखिए, मैंने बनाया तरबूज का शरबत। इसमें मैंने सिर्फ तरबूज डाले हैं, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, थोड़ी सी चीनी डाली, यानी ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालने के बाद। कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक मैंने फ़िलहाल तो इसमें ड्यू डाली। आपके पास स्प्राइट हो स्प्राइट डालना है, सेवन अप हो सेवन अप डालना है। आप बाहर के सोडा जो पीते हैं लिमका पानी वगैरह, उसको इंशाल्लाह भूल जाएंगे, बेहतरीन चीज़ है गर्मी के लिए, मस्ट ट्राई। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, 29 रोज़े की इफ्तार हो चुकी है। और ये देखिए हमारे पास आया है गिफ्ट हैम्पर फॉर जुनेद शाह डॉट वेयर। उसामा भाई हमारे जो हैं, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा। यस, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड आई थिंक। फैब्रिक्स भी अच्छा है। ये देखिए, ये इनका और इनकी तरफ से मुझे गिफ्ट आया है, बहुत प्यारा सूट है ये, कलर भी बहुत नाइस है, मौसम स्टफ भी अच्छा है। इंशाल्लाह जिस वक्त ये पहनेंगे ना, फिर मैं आपको जो है जुनेद की तस्वीर जो है लेके आपको बताऊंगी। और देखिएगा माशाल्लाह बहुत प्यारा फैब्रिक है। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि यहाँ पे स्टिच जो है बेहतरीन क्वालिटी के और बेहतरीन स्टफ के जो है जेंट्स सूट अवेलेबल हैं। और मैं हर साल ऐसे और वैसे भी पहनता हूँ जी जी, जो भी चीज़ कमीशन वाले लेता हूँ उसामा भाई की शॉप से, शाबाश। सही। और ये जो मेरा रूम मेज़ी हुआ हुआ है, डोंट वरी, मेरा पूरा रूम सिमटा हुआ है। बस ये मेज़ी होने की वजह ये है कि आज चांद रात का था, कि होप्स के आज चांद रात हो जाती तो देख लीजिए आप, मैंने पिलो कवर्स वगैरह काफ़ी हद तक चढ़ा ली हैं, बेड शीट बिछानी है, बाकी सब चीज़ें सिमट जाएंगी तो मेरा रूम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, साफ़ सुथरा हुआ हुआ। देखिए जगह सबसे मर गई है, सब डेकोरेट करना है। समझना अगर चांद रात आज हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो बाकी देखते हैं, 12 बजे भी ऐलान हो सकता है।
जी डियर व्यूवर्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और 30वें रोज़े की सरी का टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं ये जो पिलूस कवर थोड़े से रह गए थे वो चढ़ा रही थी। अभी रात में हम जो उस दिन मैंने आपको अपने गिफ्ट्स वगैरह कुछ दिखाए थे, देने थे, वो देने चले गए थे। और फिर से 30 रोज़े पाकिस्तान में भी हो गए हैं और तमाम सऊदी अरब और अरब ममालिक में आज ईद है, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं, जुनेद के सूट के बारे में कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं बनाया है ईद पे, क्योंकि एक तो दिल भी नहीं चाह रहा था, अपनी अम्मी की बात भी याद आ रही थी कि दिल नहीं भी चाहे तो हल्का फुल्का लाजमी बनाओ, क्योंकि ये रोज़ों के बाद अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है ईद। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो हम कभी शेयर नहीं कर सकते सबके सामने, तो बस इस वजह से जो है मैं वो सूट बना नहीं सकी। इरादा जुनेद का भी नहीं था, बट उनका वो गिफ्ट हैम्पर आ गया। सो अल्लाह की तरफ से होता है जो भी कुछ होता है, मेरी सोच ये है। तो लाजमी बताइएगा और इंशाल्लाह जो है फिर मैं दोबारा आपसे मिलूँगी। और इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और जिसके साथ जो भी मामलात हैं, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें, अल्लाह पाक उन सबको अपनी रहमतों से दूर फरमाए, उनकी दुआओं को अपने बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सहरी का टाइम हो रहा है, चले सहरी करते हैं।